देश की आजादी के लिए कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, जिसमें से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी एक है। नब्बे साल पहले यानी 23 मार्च 1931 को आज ही के दिन भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु व सुखदेव को फांसी दी गई थी। उनकी शहादत को देश का हर नागरिक सच्चे दिल से सलाम कर रहा है। भारत को आजाद कराने के लिए इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था। इनको फांसी दिया जाना हमारे देश इतिहास की बड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत करते हुए उन्होंने पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा दे दी गई। आज के सोशल मीडिया के दौर में हर भारतीय नागरिक ने अपने अपने अंदाज में तीनों वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर और उनके बलिदान को आज दिल से याद कर रहे हैं और उन जैसे बनने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण कुर्बान कर दिए।